वालेकुम मैडम जी। सलाम वालेकुम जी। ए सास जी आ गई हैं, जल्दी से सारे घर वाले आ जाए। जी मैं शीला। अच्छा तो आप हैं बुशरा फुफो, नाम तो बहुत सुना था आपका, आज देख भी लिया। तुम कौन? मैं इस घर की पहली बहू, शेराज की वाइफ। ना सलाम ना दुआ। इस घर की बहू बेटियों को बड़ों का एहतराम करना नहीं सिखाया क्या? सॉरी, वो असल में आपके बारे में इतना सुना था कि मैं एक्साइटमेंट में भूल ही गई, बाल घुमा के। अब मैं कुछ ऐसा करके जाऊंगी कि तुम सारी जिंदगी याद रखोगी कि कभी तुम कुछ भूली थी। अरे वाह, आपके बारे में तो जितना सुन रखा था आप तो उससे कहीं बढ़कर हैं, बाल घुमा के। और जो देखोगी वो आंखों में हमेशा के लिए नक्श हो जाएगा। जी आप आ गए, कैसी है? कैसी हो? ठीक है, घर ढूंढने में कोई मुश्किल तो नहीं आई? सब खैरियत? नहीं, खोए तो रिश्ते थे, घर तो आज भी वही है, लेकिन शायद रिश्ते बदल गए। अरे आप खड़ी क्यों है? बैठिए ना शीला, बैठने को नहीं कहा। ओ बैठो ना, चलो बैठिए ना। अब बैठिए ना आप, बल्कि इधर बैठिए। हां बैठिए आप, तरीके से बैठिए। मैं बैठी। तुम्हारी तारीफ? मैं इस घर की बड़ी बहू फिजा। अच्छे घर की लगती है। जाहिर है आपके खानदान की बहू हूं फूफा जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, माशाल्लाह काफ़ी जवान हो गए। भई हमाद की फेसबुक पे मैं तुम सबकी तस्वीरें देखती रहती हूँ। और पप्पो, कोई मुश्किल तो नहीं है ढूंढने में? हाँ नहीं, बस। बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे यहाँ आई हैं। आई तो नहीं हूँ, लाई गई हूँ। गुड मॉर्निंग पप्पा। भाई तुम्हारी तारीफ तो तुम्हारी बीवी की मुलाकात से ही हो चुकी थी और मुलाकात तुमसे भी हो गई। कुछ ले लिया? कोई ठंडा चाय पानी कुछ पूछा है? अभी तो आई है ना, मिठाई खोलेंगे, मिठाई खाएंगे ना। नहीं, मैं पानी घर की बहू के हाथ का पीऊंगी जी, किसी मुलाजमा के हाथ का नहीं जी। मैं और तुम लाओगी पानी मेरे लिए? और सुनाए ठीक ठाक? गर्मी तो बहुत है लाहौर में जी। तारिक जी, आप तो बहुत छोटे थे ना जब पापा से मिले। कैसी हो तुम? मगरूर और घमंडी। माजी का मतलब है कि कितना ऊंचा आप लोगों का खानदान है, अब आप लोगों को घमंड तो होना ही चाहिए। बिल आखिर मेरी चौकट पर तुम आ ही गई ना। आई नहीं, लाई गई। औलाद की मोहब्बत एक अच्छा बहाना है तुम्हें तुम्हारे इरादों में कामयाब करने के लिए। बब,
पता नहीं कब से ये खानदान आपस में मिलना चाहते थे और वो फाइनली औलाद की मोहब्बत की वजह से देखे ना वो बहाना भी बन गया है ना मम्मी जी। सर आपके लिए घर में सादा पानी तो जरा इसमें आइस ज्यादा डाली थी, काफी गर्म मिजाज लोगों से पाला पड़ा है मेरा, मैं अपने आप को कूल डाउन रखना चाहती हूँ। मेरे मिजाज की भी मुझे समझ नहीं आती, जब भी किसी बद दिमाग से मिलता है खाम खा ही इसका पारा हाई हो जाता है। मैं बताती हूँ पापा जी, वो एक्चुअली ना मम्मी जी का मतलब ये है कि सुनो लड़की, मेरा क्या मतलब है और ये मैं क्या कहना चाहती हूँ तुम बीच में मत बोलो। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। ये बल तब तक रहेगा जब तक ये किसी के गले का फंदा ना बन जाए। मैं तारिक सनिया को लेकर आती हूँ। कोई जरूरत नहीं उसे यहाँ लाने की। तारिक ये रिश्ता मांगने आई है, मगर ये किसने कह दिया कि मैं रिश्ता देने को तैयार भी हूं? मुझे तो बस ये अच्छा लग रहा है कि ये मेरे दर पर कुछ मांगने आई है। बिल्कुल वैसी ही पाया मैंने तुम्हें जैसे मैं सारे रास्ते सोचती आई थी तुम्हारे बारे में। हैरत की बात है कि 18 साल के सफर में तुम मेरे बारे में ही सोचती आई हो। तुम इतनी उलझी हुई हो कि तुम्हें समझने के लिए 18 सदियां भी कम है। मैं सिर्फ अपनी बेटी की जिद की खातिर तुम्हें बुलाया है, सिर्फ तुम्हें अपने दर पर सवाली बना देखने के लिए। सो मैंने देख लिया, अब तुम जा सकती हो। मैं अपनी बेटी को सारी जिंदगी कंवारी बिठा के रख लूंगी लेकिन लालची औरत की बहू नहीं बनाऊंगी। सुना तुमने? और तुम भी मेरी बात गौर से सुन लो। मैं भी अपने बेटे की जिद से मजबूर होकर यहां पर आई थी, वरना तुम जैसी घमंडी औरत से रिश्ता जोड़ना तो दूर की बात, मैं तो तुम्हारे जैसे घर का पानी भी ना पीऊं, समझे तुम? अब लगाना तीर सही निशाने पर। चलो हारे हुए को क्या कहना, चले माँ जी।